सागर ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई है कि वो गंगा से अपनी कोई भी बात मनवा सकता है, ठीक है? प्लीज किसी को मत बताना, नहीं तो सब सागर के बजाय मुझे जरूर कोई गुलाम समझे। बिल्कुल। ओके गंगा, गंगा बस गए ना आप प्राणनाथ, अब पीजिए। इसीलिए कहते हैं सागर ज्यादा हीरो मत बना करो, गंगा ने बना दिया ना तुम्हें सारे दोस्तों का जीरो। नहीं सागर, वो ड्रिंक मत पीना। आज हो क्या गया तुम्हें सागर? आज नहीं, बहुत बहुत पहले से प्यार। मेरी तो किस्मत ही टूटी है, जो प्लान बना वो फेल हो जाता है, वो गंगा जीत जाती है और मैं हार जाती हूँ। मेरी तो किस्मत में हार ही लिखी है, कितनी भी मेहनत करूं कोई फायदा नहीं। सच में क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, वो बस आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? आपके लिए कुछ ठंडा या जूस लेके आऊं? विधवा हूं, ये सब नहीं ले सकती। मैं चाहता हूं तू हमेशा मेरे पास इसी तरह रहे, मेरी बाहों में, सारी दुनिया से दूर, सारे परेशानियों से दूर। लगता है बारिश होने वाली है, चलो साकर नीचे चले, तब हम ही ढूंढ रहे होंगे। चलो भूल जा सबको, मैं भी कुछ याद नहीं रखना चाहता, यहाँ सिर्फ हम हैं, हम दोनों, तू और मैं, और अगर कोई तीसरा है सिर्फ प्यार है, हमारा प्यार। एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।
शब है सहर भी है खता है नहर भी है कभी तू फलक से उतारी फरिश्तों की धुन भी है मैं रहूं हर पल यूं तेरी यादों में खोया हुआ क्या करूं क्या कहूं ये मुझे क्या हुआ क्या हुआ You're so beautiful, Ganga. शादी भी नहीं हुई है गंगा हमारी शादी बहुत पहले हो चुकी है हम दोनों पति पत्नी हैं कुछ गलत नहीं कर रहे हम लेकिन सागर दुनिया तो सागर जरूरी था तुझे यकीन दिलाने के लिए तू हमेशा के लिए मेरी होगी गंगा अपने सागर की हो गई तू पति पत्नी
हमेशा के लिए मेरी हो गई गंगा, अपने सागर की हो गई तू। गंगा सही मायनों में सुहागन हो गई सागर, सही मायनों में। अभी तक सो रहे सागर, सागर उठो, सागर उठो, घर में सत्यनारायण की पूजा है ना सागर, जल्दी से उठो, नहा धोकर के तैयार हो जाओ सागर, उठो, बड़ी नींद आ रही है तुम्हें। हाँ, पार्टी से भी कल जल्दी चले गए थे और गंगा भी नजर नहीं आ रही थी, क्या बात है? हाँ, देखो तुम्हारे कपड़ों की हालत देखो, ये कमरे की हालत देखो, तो मेरी शादी होने वाली है सागर। ये कब लगा मुझे? बहुत जोर सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। रूम में कब आया? याद ही नहीं है मुझे। अच्छा, मुझे याद ही नहीं है मुझे। गंगा के प्यार में सब कुछ भूल गया ना? अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत जोर सर दर्द हो रहा है, बताइए ना क्या करूँ। मुझसे क्या पूछ रहे हो? जिसने दर्द दिया है उसी से जाके पूछो। एक बात बताओ गंगा, और तुम क्या कर रहे थे कल देर रात तक? भाभी प्लीज, कितना चिढ़ाएंगी आप? कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रही हैं। ओहो, और मुझे लगा मुझे गॉसिप मिल गया। कोई गॉसिप नहीं मिली है, ठीक है? अब प्लीज बताइए ना सर दर्द का क्या करूं। ठीक है, लेकिन पहले जाकर के नहाओ और फिर तैयार हो जाओ, और फिर मैं तुम्हें बाम लगाऊंगी। अब चलो उठो, उठो सागर, कमरे की हालत देखो तुम, जाओ जल्दी नहाओ। ओम शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधरं सदृशं मेघवलं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यालयं वंदे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। अब आप दोनों आचमन कर लीजिए। अब आप दोनों भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए।
भगवान को ये प्रसाद भी अर्पित कर दीजिए। प्लीज इतना समय लगा रहे हैं, बताइए ना अच्छा मुहूर्त क्या है लल्ला और गंगा की शादी के लिए। कुंडली में तो दोनों के 32 गुरु मिल रहे हैं, ये अच्छा है। 36 में मैं कहती थी ना। नहीं वाह 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 अली ग्राम जी, अब पंचांग देख के मुहूर्त भी निकाल लेता हूँ। आज से 30 दिन के बाद का विवाह के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकला है। अरे शालिग्राम जी, तो बस आज से 30 दिन के बाद शादी है बहू, सही है? ठीक है, 30 दिन के बाद लल्ला और गंगा की शादी